नमस्ते। आज मैं बनाने जा रही हूँ दही बड़े, और मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने भी काफ़ी कुछ दो तीन रेसिपीज देखी और उसको देखकर मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाया है, तो चलिए मैं बनाती हूँ और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे बने। सभी ट्रिक्स जो उसमें बताई थी तो मैंने फॉलो की है और उसका फुल वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3-4 घंटे के लिए दाल को भिंगोया था, तो 3-4 घंटे बाद दाल अच्छी तरह से भीग चुकी थी। ये देखिए, मैंने उसको नाखून से काट कर दिखाया। फिर उसके बाद मैंने दाल को थोड़ा दरदरा पीस लिया, फिर उसमें मैंने थोड़ा नमक मिलाया और थोड़ा सा हींग मिलाया और उसको अच्छी तरह से फेंटा। दाल को अच्छी तरह फेंटना बहुत ज़रूरी था और इसका हम टेस्ट भी कर सकते हैं। पानी में हम इसको एक ड्रॉप गिराएंगे, अगर वो पानी के ऊपर तैर रहा है मतलब हमारा दाल बहुत अच्छे से फेंट चुका है। फिर उसके बाद मैंने ऑयल को गर्म किया और मीडियम फ्लेम पर ही तेल को गर्म करेंगे, और जब तक हमारे जो बड़े हैं वो ब्राउन ना हो जाए, लाइट ब्राउन ना हो जाए, तब तक उनको बनाएंगे। ये देखिए मैंने बनाए हैं बहुत सॉफ्ट बड़े, बहुत ही सॉफ्ट है। मुझे बहुत खुशी हो रही थी, जो जो ट्रिक थी मेरी काम आई। और इसमें मैंने गुनगुने पानी में थोड़ा काला नमक और हींग डालकर तैयार किया और इसमें मेरे बनाए गए सभी बड़ों को मैंने भिंगो दिया 40 मिनट के लिए। 40 मिनट तक इसको भिंगो कर रखेंगे, तब तक मैंने अपना ताज़ा दही लिया। ताज़ा दही में थोड़ा सा काला नमक और ये सब डालकर अच्छी तरह से मैंने फेंट के रख लिया। मीठी चटनी तैयार करके रख ली, क्योंकि दही बड़ों में मीठी चटनी ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता है। और दही को भी मैंने फेंट कर इस तरह तैयार कर लिया था। अब बनाने में जा रही हूँ हरी चटनी। हरी चटनी के लिए मैंने ताज़ा हरा धनिया लिया, ताज़ा पुदीना लिया और उसको ग्राइंड करके इस तरह मैंने हरी चटनी बनाकर तैयार कर ली। 40 मिनट बाद मैंने बड़ों को हल्के हाथों से स्क्वीज करके उनका पानी निकाल लिया और मेरे बड़े तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको सर्व करने के लिए इनमें मैं जीरा पाउडर और अपना काला नमक, चाट पाउडर और हरा कटा धनिया मैंने सब रेडी करके रखा था, और अब मैं सर्व करने के लिए तैयार कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें सब तैयारी के बाद मैंने पहले इसमें थोड़ा दही डाला, 1-1 चम्मच पूरे बड़ों पर मैंने अच्छी तरह से दही डाला, क्योंकि दही जितना ज़्यादा होगा उतने दही बड़े ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो दही बहुत अच्छी क्वांटिटी में डालिएगा। तो मैंने डाला है 2-2 चम्मच मैंने दही डालने के बाद थोड़ा थोड़ा हरी चटनी का मैंने लगा दिया है तड़का। हरी चटनी बहुत ही अच्छी लगती है दही बड़ों के साथ, तो हरी चटनी मैंने उसके साथ मीठी चटनी भी डाला, हरा धनिया डाला, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा चाट पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च, इस तरह से सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और हमारे दही बड़े तैयार हैं खाने के लिए। चलिए मैं ट्राई करके देख रही हूँ अपने दही बड़े बनाए हुए फर्स्ट टाइम, और ओह माय गॉड, बहुत ही टेस्टी बने, सच में बहुत ही यम्मी बने हुए हैं। आप भी प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।